ओम शांति। आज हम जानेंगे दीपावली के रहस्यों के बारे में जो कि ज्ञानामृत पुस्तक में दिए हुए हैं। शीर्षक है दीपावली का रहस्य। दीपावली का त्यौहार भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसे हम सभी भारतवासी हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाते आए हैं, लेकिन हर वर्ष त्यौहार मनाते हुए भी हम जिस बात की कामना रखते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी आएगी, जिसलिए हम अपने घरों की सफाई करते, दीपक जलाते तथा पूजन कर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इतना भी नहीं समझते कि एक तरफ तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू दिखाया जाता है और दूसरी तरफ दीपक जलाकर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। परंतु विचार करने की बात है कि जब उल्लू को रोशनी में कुछ दिखाई ही नहीं देता तो लक्ष्मी आएगी कैसे। अब परमपिता परमात्मा शिव हम सभी को दीपावली का सच्चा सच्चा रहस्य समझाते हैं कि हे वत्सो, तुम द्वापर से लेकर हर वर्ष दीपावली मनाते आए हो, लेकिन बजाय संपन्न होने के और ही कंगाल होते आए हो। परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चों, घरों की सफाई करना या दीपक आदि जलाना तो साधारण सी बात है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के वर्तमान कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर यदि वास्तविक लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो या श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो तुम्हें लक्ष्मी के समान दैवी गुण अपने जीवन में धारणा करने होंगे। इसी के लिए परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि हे वत्सो, तुम्हारी आत्मा में 63 जन्मों से 5 विकारों रूपी मैल चढ़ा हुआ है। जब तक तुम बच्चे अपने आत्मा रूपी घरों से इन 5 विकारों रूपी मैल को नहीं निकालते, अर्थात जब तक आत्मा को ज्ञान प्रकाश नहीं मिलता, तब तक श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य स्थापन नहीं हो सकता और सही अर्थों में दीपावली नहीं हो सकती। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की अगली पंक्ति। इस पर्व पर लक्ष्मी के आह्वान के लिए दीप जलाकर खूब रोशनी की जाती है। दीपक के स्थिरता पूर्वक जली या तेल का होना जरूरी है। इसी प्रकार मनुष्यात्मा की आत्मिक ज्योति जगते रहने के लिए उसमें भी ईश्वरीय ज्ञान का निरंतर बने रहना जरूरी है। जब बुझा हुआ दीपक किसी जगे हुए दीपक से संपर्क में आता है तो वह भी जग उठता है। ठीक इसी तरह ही आत्मा भी सदा जागती ज्योति परमपिता परमात्मा के संबंध में आने से जग जाती है। जैसे दीपक के जगने से आसपास से अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, वैसे ही आत्मा की ज्योति जगने से भी अज्ञान तिमिर भाग जाता है। एक दीपक के जगने पर अनेक दीपक भी उसके संपर्क में आकर जगते हैं और इस प्रकार दीपमाला जगकर दीपावली उत्सव होता है। यह वास्तव में एक द्वारा अनेकानेक आत्माओं के जगने का स्मरण उत्सव है। कलयुग के अंत में जब चहुं ओर अज्ञानांधकार छाया हुआ होता है, तब परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा को ज्ञान एवं योग द्वारा जागृत करके विश्व में उजाला करते हैं। यही सच्ची दीपावली है। अब इसी दीपावली की पुनरावृत्ति हो रही है। ओम शांति।